अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज मैं आपके सामने जिस मूवी का रिव्यू करने आई हूँ और उसके सॉन्ग के बारे में डिस्कस करने आई हूँ, वो है पठान मूवी। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, आपको पता है कि ये मूवी आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई हुई है। इस पर बैन भी लग गया है। अभी ताज़ा ख़बर आई है कि इसको रिलीज़ करने से बैन कर दिया गया है। जी हाँ, आपको पता है कि ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज़ में अक्सर जो है इस तरह की खबरें आती रहती है। पहले भी इस तरह की कई मूवीज़ आई जिस पे बैन लगा, फिर हटा दिया गया, फिर बैन लगा, और जो है फिर आखिरकार उसका अंजाम आपको पता है कि क्या हुआ। और इस मूवी यानी पठान मूवी की हम बात करते हैं, इसके जो हीरो हैं वो हैं वन एंड ओनली शाहरुख खान, यानी हमारे पठान खान। अच्छा, ये मूवी कॉन्ट्रोवर्शियल तो रही ही रही है। दूसरा ये कि इसके सॉन्ग के बारे में मैं आप बात करूँगी, जो कि मैंने कल ही देखा और आई वॉज शॉक्ड। मतलब यार दीपिका यार क्या मतलब मेरे जहन में उसके बारे में जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो इमेज बना हुआ था वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। उसने क्या पहना था यार, पता नहीं आप लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल होगी, बट आई वॉज शॉक। क्योंकि एक बंदा जो हम इमेजिन करते हैं कि उसकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद एटलीस्ट थोड़ी सेंसिबल ड्रेसिंग कर ले, थोड़ी वो कर ले, ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लैमरस दिखाना चाहते हो, लेकिन किसी और वे में भी दिखा सकते हो। ये तो ऐसा लगता है कि भाई ये उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड थी, या तो इसकी दर्जी को, बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किया था कि इस दर्जी ने इसके कपड़े जो है वो ख़राब कर दिए थे, इसी वजह से ये जगह जगह से फटे हुए थे। मतलब देख के शर्म आ रही थी। अब वो ये गाना जो है आप वो किसी के साथ देख नहीं सकते, ना ही मैं फैमिली के साथ जा सकती। मतलब पहले मैं सोच रही थी कि ये मूवी मैं देखने जाऊंगी जब रिलीज़ होगी, बट इस सॉन्ग के बाद मैं किसी फैमिली के साथ एटलीस्ट बैठ के ये नहीं देख सकती। और शाहरुख खान से भी एक्सपेक्ट नहीं था, यानी कि इस एज में आके फिट तो हैं नो डाउट, और उन्होंने एक्टिंग भी उनकी ज़बरदस्त है, बट फिर भी वो उनका भी थोड़ा सा रोल बनता है यार। मतलब कि उनका एक इमेज बना हुआ है, उनको भी थोड़ा सा कुछ तो वो करना चाहिए था। बस जो भी है यार, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। लोग उर्फी जावेद को खामखा बुरा वाला कहते हैं, हमारी ये जो दूसरे बॉलीवुड स्टार हैं इनको जो जाके देखें। मतलब यार पैसा ही तो कुछ सब कुछ नहीं होता ना, आपको थोड़ा बहुत अपनी कुछ इमेज तो बरकरार रखना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा अपनी इज्जत तो बरकरार रखनी चाहिए। यानी दूसरे जो आपको एकदम मतलब आपको एक आइकन समझते थे कि ये हमारे लिए रोल मॉडल है, आपके इस सॉन्ग के बाद आपको नहीं पता कि आपका इमेज कितना ज़्यादा गिर गया है, कितना ज़्यादा आपके लोग आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या होता जा रहा है हमारे बॉलीवुड के स्टार्स को, या तो उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है, या फिर वो जो है अपने जितनी इनकी एज बढ़ती जा रही है तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो अपने आप को और ज़्यादा जो है वो दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हॉट आप बहुत वे में लग सकते हो, एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ भी लग सकते हो, एक अच्छी रोल के साथ भी लग सकते हो, और एक अच्छे लुक्स के साथ। आपके एक्सप्रेशन भी कोई मायने रखते हैं, नो डाउट एक्सप्रेशन इनके बहुत अच्छे थे, यहाँ पे बहुत किलर एक्सप्रेशन थे, बट यार फिर भी ड्रेस यार ओके। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ये ना हो कि ये खबरें जो है उनके जो चाहने वाले उनको कुछ ज़्यादा बुरी लग जाए, बट जो मेरे व्यूज़ थे इस सॉन्ग के बारे में और जो मैं देख के शॉक्ड हुई थी, मैंने आपसे शेयर कर दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।